गाइज, एक बहुत ही पुरानी मान्यता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अब शगुन होता है। पर इस पर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई इस पर अमल करता है तो कोई इसे अंधविश्वास बताता है। लेकिन इस मान्यता के पीछे एक तार्किक कारण भी है। दरअसल बिल्ली या कोई भी जानवर अधिकतर अपने शिकार का पीछा करते हुए रोड क्रॉस करते हैं। ऐसे में शिकार के भाग जाने पर या हाथ ना आने पर वे दोबारा जिस तरफ से आए होते हैं उसी तरफ दोबारा लौट आते हैं। और ये कभी कभी इतनी तेजी से होता है कि अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है या उस जानवर की भी गाड़ी से कुचलकर मौत हो सकती है। बस इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई जानवर हमारे सामने रोड क्रॉस करे तो कुछ देर के लिए रुक जाइए और इंतजार करिए। वैसे गाइज, क्या आप इसके पहले तक बिल्ली के रास्ता काटने के इस रीजन को जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, क्या आपको पता है कि चुटकी भर हींग आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। रोज सुबह हल्के गुनगुने पानी में चुटकी की चौथाई भर हींग घोलकर पीना मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। वही हींग एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। यह पीरियड के दर्द और हाई बीपी में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। छोटे बच्चों के नाभि में हींग पाउडर रखने से उन्हें पेट दर्द और गैस से राहत मिलती है। लेकिन किसी भी चीज की अति खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हींग को कम मात्रा में ही लें। ज्यादा हींग का सेवन करने से पेट में दर्द और उल्टियां भी हो सकती हैं। गाइज, ये तो आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी आजादी से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मोहर लगा चुके थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बंटवारे का वक्त आते ही वो नेहरू की बजाय जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने पर जोर देने लगे? जी हां गाइज, 16 अगस्त साल 1946 को जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे को मनाने का ऐलान किया तो पूरे देश में दंगे भड़क उठे। केवल 2 दिन के भीतर कोलकाता में 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए और तब पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। ऐसे में तमाम बड़े नेता शांति की कीमत पर विभाजन के लिए तैयार होते जा रहे थे। और तब विभाजन से बचने के लिए गांधी जी ने एक रास्ता सुझाया। ये रास्ता था जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन कांग्रेस की कार्य समिति ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और तब निराश होकर गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में मेरी अब कोई नहीं सुनता। वैसे गाइज, आपके हिसाब से गांधी जी का विभाजन रोकने का ये सुझाव कैसा था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, हम सभी ये जानते हैं कि आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन नेहरू जी जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट बनाए जाने के खिलाफ थे। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। नेहरू जी पश्चिमी देशों और उनकी सभ्यता से प्रभावित थे जबकि राजेंद्र प्रसाद जी की इमेज हिंदुत्ववादी नेता की थी। नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी की जगह पर सी राजा गोपालचारी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे जो कि पहले ही भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। और दूसरा कारण ये था कि इन दोनों के सैद्धांतिक मतभेद भी थे। लेकिन काफी अटकलों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही देश के पहले राष्ट्रपति बने। वैसे गाइज, आपके हिसाब से नेहरू जी का राष्ट्रपति पद को लेके ये मतभेद ठीक था या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।